बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो मैथमेटिक्स एंड यूनिट नंबर 3 है, क्लास 3, फ्रैक्शन। बहुत इजी टॉपिक है हमारा आज का और बहुत मजे का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को उर्दू में हम कसर बोलते हैं, कसर की जमा कसूर। इसको हम कैसे राइट करते हैं, ऐसे, ठीक है, कसूर। व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कोई चीज है फुल, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड जब हम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ अ होल, व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। प्रॉपर जो हमारे पास एक चीज है, होल है हमारे पास, उसके इक्वल पार्ट्स हमारे पास, उसको हम क्या कॉल करेंगे, फ्रैक्शन कॉल करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक पिज्जा है। अब एक पिज्जे के हमने यहाँ पे कितने पार्ट किए हुए हैं, 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4, ठीक है, 1/4। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वाटरमेलन है, एक वाटरमेलन, 1 वाटरमेलन इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट, सो ईच पार्ट इज 1/2, 1/2 इज इक्वल टू। अब ये देख लीजिए, हमारे पास होल नंबर था 1, इसको हमने कितने में डिवाइड किया, 2 में, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास उसी वाटरमेलन को अगर हमने 4 पीसेज में डिवाइड किया है, तो हमने 1 वाटरमेलन है, इसको 4 पीसेज में डिवाइड किया, तो फ्रैक्शन में हम कैसे राइट करेंगे, 1/4, उसे बोलेंगे 1/4, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है, अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पिज्जा है, इसको हमने सबसे पहले 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक हिस्सा जो हमारा फिनिश हो चुका है, हमने लिखे हैं 1/4, कितने थे, टोटल थे हमारे पास 4। ये टोटल जो है वो नीचे शो होगा हमारा, जो जितना हिस्सा हम यूज कर चुके हैं, ये जितना हमने इस्तेमाल में आ चुका है, उसको हमने टॉप पे राइट करना है। बॉटम में हमारी वो चीज राइट होगी जितना, जितनी होल होगा, जो हमारा होल होगा एक प्रॉपर चीज होगी, और टॉप में हमारी वो चीज राइट होगी जहां जितनी चीज को हम यूज कर चुके हैं या अपने इस्तेमाल में ला चुके हैं। अच्छा जी, अब यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें आपको समझना जो है वो इजी हो जाएगा इस टॉपिक को। अब यहाँ पे हमने ये फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर दिया कि होल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, एक नंबर को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कुछ हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ये जो है 1/4 है, इसको हम 1/4 बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं। इतनी कंडीशन में हम इसे बोल सकते हैं, इजी वे में, जो जैसे आपको लगता है आप वैसे इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1/4 है हमारे पास। अब यहाँ पे ये एक पार्ट है टॉप, और नीचे हमारे पास बॉटम है। अब ये देखो, टॉप और बॉटम में हमारे पास इसकी कितनी फ्रैक्शन की कंडीशन आ गई, 2। कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट को हमने जो है वो नेम से डिनोट करना है, सबसे ऊपर पार्ट, नीचे पार्ट। अब यहाँ पे अब फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स, यहां तक क्लियर हो गया। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन, द नंबर ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन, ये जो हमारे पास ऊपर वाला नंबर है, ये है टॉप ऑफ द लाइन, ये हमारे सेंटर में हमारे पास क्या है, लाइन है, टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमिरेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमिरेटर। जो चीज हमारे इस्तेमाल में आ चुकी है, ये जितना पार्ट या उस चीज का जितना हिस्सा हम इस्तेमाल कर चुके हैं, उसे हम बोलेंगे न्यूमिरेटर। द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। अब जो नीचे है लाइन के नंबर, उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, ये हमारा है न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर, ये हमारा है डिनोमिनेटर, ठीक है। इट शो द टोटल डिविजिबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इनटू और द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हिच आर देयर इन अ कलेक्शन। अब ये देखें, न्यूमिनेटर टेल द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। न्यूमिनेटर किसको शो करता है, जो चीज हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जितनी चीज हमारे इस्तेमाल में आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पिज्जा था, उसमें से हमने 4 पार्ट से उसमें से 1 पार्ट खा लिया, तो हमने उससे
वो हमारा हो गया ऊपर टॉप पे आ गया, उसको हम बोलेंगे न्यूमिरेटर। अब यहाँ पे ये होल नंबर को जाहिर करता है होल, इट मीन्स ये इतनी चीज थी हमारे पास टोटल, उसको हमने क्या कहना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर टेल द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब ये ऑफ होल, अब जो जो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है, हमने यहां से ये देखें एक पूरी चीज थी उसको हमने जितनों में डिवाइड कर दिया, उसको हम न्यूमिनेटर बोलेंगे जो हमारे इस्तेमाल में आ गई चीज, और जो डिनोमिनेटर होगा वो पूरे पूरी चीज होगी एक हमारे पास जो थी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के हमने 4 पीसेस किए, ठीक है ना, उसमें से एक पीसेस हमने खा लिया, वो हमने ऊपर राइट कर दिया, तो वो हो गया हमारा न्यूमिनेटर, और जो टोटल था वो हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन फ्रैक्शन। साइमा फादर्स ब्रॉट अ वाटरमेलन फॉर लेफ्ट इफ्तार व्हेन मदर स्टार्टेड कटिंग वाटरमेलन। अब देखें एक वाटरमेलन है, साइमा के फादर ने खरीदा है, अब उसकी मदर जो है वो कटिंग करेगी। अब जो साइमा है वो क्या कर रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है पास बैठी। मदर एक्सप्लेन हर दैट ईच पीस ऑफ वाटरमेलन इज हाफ और हाफ, ठीक है। अब ये देखें एक वाटरमेलन है, उसके पार्ट कितने कर दिए 2, तो वो क्या हो गया 1/2, ठीक है ना, 1/2 मिलके क्या बनाएंगे अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है साइमा आस्क्ड देयर मदर इट वाज अ वाटरमेलन बट यू कट इन टू 2 equal pieces। अब साइमा ने पूछा है कि एक था वाटरमेलन, उसको हमने किस में कट कर दिया, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम उसको राइट कैसे करेंगे, ये देखें 1 watermelon 1 is equal 1 whole is equal to 1 half क्या आ जाएगा 1/2, इसको हम बोलेंगे 1/2 को हम बोलेंगे 1/2, वैसे हाफ भी बोल सकते 1/2, ठीक है राइट, हम इसको ऐसे करेंगे। अब देखें अब इसमें से वाटरमेलन के 4 pieces कर दिए, तो हमने क्या 1 watermelon के 4 pieces कर दिए, तो हम इसको बोलेंगे 1/4, और राइट इसको ऐसे करेंगे 1/4 बोलेंगे, और वैसे हम इसको कॉल करेंगे 1/4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक फिगर दिया गया है जिसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 4 parts हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कितने पार्ट हैं, 4 हैं, तो 4 क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर होगा, हम इसको कहाँ राइट करेंगे, यहाँ बिलो बॉटम में राइट करेंगे, ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं डी को शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रही हूँ डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमिनेटर है। अब यहाँ पे कहा गया है हमें 4 parts हैं, कितनों को कलर करना है, 3 को, तो यहाँ पे हमने शेडेड कर देना है 3 को, 3 को शेडेड कर दिया, तो हमारे पास कितने यूज में आ गए, 1, 2, 3, कलर 3 को कर दिया 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब इसमें कलर्स कितने में करना है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसके पार्ट्स कितने थे 8, तो वो किस कहाँ लिखेंगे बॉटम में, और इसके जो हमारे पास यूज में आ गए हैं जिसमें हमने कलर कर लिया है उसको हम ऊपर लिखेंगे न्यूमिरेटर, और ये हमारा होगा न्यूमिरेटर। ये होगा हमारा न्यूमिरेटर और ये होगा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। द फिगर इज डिवाइडेड इंटू इक्वल 8 parts, 8 parts में ये डिवाइड था, 5 में हमने कलर कर लिया, तो इट फ्रैक्शन द कलर पार्ट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5/8, ठीक है, 5/8, 5/8, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैच द गिवन कलर फिगर विद द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे प्रीवियस स्टेज में ही बता दिया था कि हमारे पास जो है फ्रैक्शन में जब हम इसे राइट करते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 parts होते हैं, इस नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, 2, यहाँ पे भी हमें हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल, 2, प्रीवियस पेज में आपको बता चुकी हूँ इसके 2 parts होते हैं, ठीक है। द टॉप ऑफ द नंबर न्यूमिरेटर शो हाउ मेनी पार्ट्स हैव बीन यूज्ड, यानी कि ऊपर जो टॉप पर नंबर है हमारे पास वो ये शो करता है कि कितने पार्ट्स हम यूज कर चुके हैं, ठीक है ना, कितने पार्ट्स हमारे इस्तेमाल में आ चुके हैं। द बॉटम नंबर द डिनोमिनेटर शो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइड इनटू, ठीक है ना। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमें शो करता है हमारे पास टोटल कितनी तादाद है, होल नंबर यानी कि हमारा कितने पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2/5 है,
नीचे 3.5 है, 4.5 है, 1.5 है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी हमारे पास, मैच द गिवन कलर फिगर विद द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो कलर फिगर दिए गए हैं वो यूज है, ठीक है ना, जो नहीं कलर वो अनयूज है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2/5 है, अब हमने देखना है 1, 2, 3, 4, 5 है ये, यहाँ पे कलर कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो कितने यूज है, 3 है, तो हमारा न्यूमिनेटर जो है वो ऊपर होगा और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे होगा। अब हमने ये ढूंढना है यहाँ पे 3/5 किधर है, तो सेकंड नंबर पे हमारा 2.5 है, ये देखें, इसको हमने इसके साथ ऐसे मैच कर देना है। नेक्स्ट है 2/5, अब टोटल कितना था हमारे पास, 5 है, सबकी कंडीशन 5 है, तो यहाँ पे कलर कितने हैं, 2/5। अब ये देखें यहाँ पे 1 कलर है, 4 विदाउट कलर है, तो यहाँ पे हमने 1/5, अब यहाँ पे 1 विदाउट कलर है, 4 विद कलर, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 4/5 इसके साथ मैच कर दिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है कि न्यूमिरेटर जो होता है ना, वो जितना चीजें हम, जितनी चीज हम यूज कर चुके हैं ना, उतने यानी कि होल नंबर में से जितनी चीज हम यूज कर चुके हैं वो होता है, और ये हमारा जो नीचे बॉटम में होता है वो हमारा होता है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, वो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ही दिया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में है, आइडेंटिफाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से न्यूमिरेटर कौन से हैं और डिनोमिनेटर कौन से हैं, ठीक है ना, इनको अलग अलग लिखना है। आपने अपनी कॉपी पेंसिल ले लेनी है, उधर एक आपने दो बॉक्सेस ऐसे बना लेने हैं, राइट कर लेने हैं। नीचे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपने लिख लेने ये नंबर्स, ठीक है ना, यहाँ पे आपने लिख लेने न्यूमिनेटर्स और यहाँ पे आपने लिख लेने डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास न्यूमिरेटर कौन सा है, टॉप ऑफ द लाइन, यहाँ पे हमने 2/7 राइट किया, इसमें से हमने सेपरेट किसको करना है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे हमारा टॉप ऑफ द लाइन 2, इतना पार्ट जो इतने जो है हम 7 में से इतनी चीजें यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, बॉटम ऑफ द लाइन 7, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही हमने एक फुल टेबल बना लेना है अपना जो है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमिरेटर कौन सा होगा, ये होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा, ये हमारा न्यूमिरेटर होगा, ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, ऐसे ये न्यूमिरेटर होगा और ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, ये न्यूमिरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर। इसकी डेफिनेशन आप बस याद रखिएगा कि टॉप ऑफ द लाइन कॉल न्यूमिरेटर, जितनी चीज हम यूज कर चुके हैं लाइन के ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर, और बॉटम ऑफ द लाइन कॉल न्यूमिनेटर, शो हाउ मेनी इक्वल पार्ट द होल इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। तो आपके लिए ये जो है फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर, ऐसे ही हमने सबको सेपरेट सेपरेट जो है वो राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर पार्ट इन द गिवन बॉक्सेस। ये देखिए फर्स्ट पे हमारे पास थे फुल, कितना है हमारा, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4, कलर कितने में, 1, यानी कि इट मींस 1 जो है वो कलर्ड है, तो हमने क्या करना है, 1 न्यूमिरेटर होगा हमारा, ये जो है 4 वो 4 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने पार्ट्स है हमारे पास, 8, कलर्ड कितने हैं हमारे पास, 3/8 आएगा हमारा, ठीक है ना, ये हमारे पास टोटल कितना है, 3 है, तो कलर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1/3 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे जब हमने काउंट करना है तो कलर और अनकलर्ड, यानी कि कलर वाले भी जो कलर किए हैं वो भी, जो नहीं कलर किए उनको टोटल पहले काउंट कर लेना है, वो कितने हमारे पास, अब ये 16, अब कलर कितने में है, 1, 2, 3, 4, 5,
तो क्या आ जाएगा 5/16। पहले जब हमने टोटल को काउंट करना है उसके बाद सिर्फ कलर को काउंट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 जो थे वो कलर थे। टोटल हमारी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 4/16, ठीक है ना। अब ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 जो है हमारे यूज हो चुके हैं, कलर हो चुके हैं। नेक्स्ट टोटल कितने 5, 6, 7, 8 टोटल कितने थे 8 थे। कलर द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस कलर करना है हमने। जैसे हमारे पास राइट जैसे ये 2/3 था, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना था 3 था, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3 है, न्यूमिनेटर 2, तो इट मीन्स 2 पार्ट्स पे हमने कलर करना है, ठीक है ना। तो ये कलर्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो 3 है और टोटल कितना है 4 है। अब टोटल 4 है, कलर कितने में करना है हमने 3 में कलर कर देना 1, 2, 3, ठीक है ना। इन 3 बॉक्सेस में हमने क्या करना है कलर कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/8, टोटल हमारे पास ये कितनी पार्ट्स हैं 8 और 8 में से कितने यूज करने हैं 3, न्यूमिनेटर हमारा है 3, 3 में हमने क्या कर देना है कलर कर देना। यहाँ पे 3/6 है हमारे पास, न्यूमिनेटर जो है हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 6 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 पार्ट है, इसमें हमने कलर कर देना है कि 3 हमारा यूज में आ चुका है, ठीक है। नीचे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर हमारा 4 था और डिनोमिनेटर हमारा 11। अब न्यूमिनेटर किस चीज को शो करता है कि जितनी चीज हम इस्तेमाल में ला चुके हैं वो हमारा न्यूमिनेटर है और टोटल जो हमारे पास है वो डिनोमिनेटर है। अब ये देखो न्यूमिनेटर 4 था तो वो टॉप ऑफ द लाइन, डिनोमिनेटर 11 था तो वो बॉटम ऑफ द लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमिनेटर 3 टॉप ऑफ द लाइन, डिनोमिनेटर 11 बॉटम ऑफ द लाइन या बिलो ऑफ द लाइन भी बोल सकते हैं आप लोग। न्यूमिनेटर 4, डिनोमिनेटर 9, ठीक है। न्यूमिनेटर 5, डिनोमिनेटर 7। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद द गिवन फ्रैक्शन। अभी क्या करना है हमने, यहाँ पे कलर पार्ट को देखना है, कलर पार्ट इट मीन ब्लू, और दूसरे को देखना है। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनको हमने देखना है और इधर से हमने देखने अपने नंबर्स फ्रैक्शन के, यहां से हम देखेंगे और यहाँ पे इनको मैचिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 कलर्ड है और टोटल कितना है 3। अब हमने क्या देखना है 2/3। अब यहाँ पे हमने 2/3 हमारा नीचे ये देखे 2/3, तो हमने इसको फर्स्ट वाले के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है टोटल, कलर कितने में 1 में, तो ये देखो 1/4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारे पास 5 है, कलर कितने में है 2 में, तो हमने क्या ढूंढना है 2/5 हमारा लास्ट पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। अब ये हमारे पास है 8 और कलर कितने में है 3 में, तो हमने क्या ढूंढना है 3/8, ये देखें 3/8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कलर कितने में 2/8, वो भी हमारा ये है, ठीक है ना। अब लास्ट वाला जो हमारा है 1, 2, 3, 4, 3 में कलर है और 1 में कलर नहीं है, तो ये टोटल कितने हैं 4, कितने पार्ट कलर्ड हैं कितने पार्ट यूज हैं 3, तो हमने क्या ढूंढना है 3/4, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे है हमारा 3/4। नेक्स्ट चलते हैं,
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास फ्रैक्शन की टाइप्स आ गई हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका देखते हैं। If the numerator of a fraction is smaller than the denominator, then the fraction is called proper fraction. हमें कहा गया है कि न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ पिज्जा इज डिवाइड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, वन ईट एट थ्री पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर लेफ्ट। अब हमारे पास एक पिज्जा है, ठीक है ना, उसके हमने फोर पार्ट्स जो हैं किए हैं, अब उसमें से थ्री पार्ट्स जो हैं लेफ्ट हो चुके हैं, हमारे पास बाकी कितने पार्ट्स है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली द लेफ्ट ओवर पार्ट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन वन अपॉन फोर, इसको हम वन फोर्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसका न्यूमिरेटर जो है वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नीचे जो हमारे पास है, यहाँ पे टू इसके इक्वल पार्ट्स फोर किए गए हैं और जहां पे हमारे पास टू यूजेबल है, ठीक है ना। अब टू अपॉन फोर है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको क्या कॉल करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। थ्री अपॉन एट, ये भी वही सेम कंडीशन है, इन दीज फ्रैक्शन न्यूमिनेटर आर लेस देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स कि न्यूमिनेटर अगर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इज टू अपॉन थ्री या प्रॉपर फ्रैक्शन, टू अपॉन थ्री क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, जी बिल्कुल, ये देखिए टू लेस देन है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन हमारे पास है, इफ द न्यूमिरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पे अगर हमारे पास जो है न्यूमिरेटर हो ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा हो डिनोमिनेटर से या उसके इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास है फोर पार्ट्स और फोर ही कलर्ड है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फोर पार्ट्स हैं और कितने कलर्ड हैं, थ्री, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये न्यूमिरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब सेवन जो है कलर्ड है और उसके पार्ट टोटल कितने हैं, फोर, तो हमने क्या करना है, सेवन जो है वो न्यूमिरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो सेवन अपॉन फोर क्या होगा, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये देखें, अब यहाँ फोर में कलर है, फोर अपॉन फोर, तो ये इम्प्रॉपर फोर में कलर है, फोर अपॉन फोर दोनों सेम है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसलिए जो हमारी जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे भी एट अपॉन एट क्या होगा, हमारा इक्वल होगा डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर, ठीक है ना। फर्स्ट जो कंडीशन थी तो वो इन सेवन अपॉन फोर थी, न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इन एट अपॉन एट न्यूमिरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, देयरफॉर बोथ द फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर टू की तरफ। एक्सरसाइज नंबर टू, राइट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं और बॉक्सेस को हमने फिल करना है देख के कि इनमें से इम्प्रॉपर कौन सी और प्रॉपर कौन सी है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट पे हमें दिया गया थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर क्या है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखे, थ्री जो है न्यूमिरेटर जो है हमारे पास लेस देन है और डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है, ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट सेकंड वाला है 4/5। अब ये देखिए, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास क्या है, 4 जो है न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। थर्ड पे है 4/3। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास होगी इम्प्रॉपर। ठीक है, 4/9। अब यहाँ पे देखें, न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन है और जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 7/5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/5, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, ये भी हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एट अपॉन नाइन क्या होगा हमारे पास, ये न्यूमिनेटर होगा लेस देन है डिनोमिनेटर से, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट है 3/7, यहाँ पे अब 3/7 है, ये भी हमारे पास जो होगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर भी 7 और डिनोमिनेटर भी 7, दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास, इम्प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैच प्रॉपर फ्रैक्शन वाज विद प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा गया प्रॉपर फ्रैक्शन और यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनको हमने इनको देखना है और इनके साथ मैच कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 13/6। अब ये देखिए, 13 जो है वो न्यूमिरेटर जो है वो ग्रेटर देन है 6 से, जो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इसको हमने इसके साथ मैच कर देना। नेक्स्ट है 14/5, ये भी हमारा इम्प्रॉपर होगा, बिकॉज 14/5 जो है वो न्यूमिरेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, 4/5 ये हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है डिनोमिनेटर ग्रेटर देन बाय न्यूमिरेटर। ठीक है ना। नेक्स्ट 9/4 है, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, बिकॉज यहाँ पे 9 जो है न्यूमिरेटर जो है वो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से। 8/5 ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इसको भी हम 7/12 जो होगा वो भी हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। 7/19 प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, बिकॉज 7 जो न्यूमिरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। 8/15 भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 7/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 7/5 भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर ग्रेटर देन बाय न्यूमिरेटर। ठीक है ना। 7/4 ये हमारा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।